गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास नाइन्थ मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फोर्टीन स्टेटिक्स आज इस चैप्टर की हम सॉल्व करेंगे फोर्टीन पॉइंट टू एक्सरसाइज और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर आपके पास गिवन है द हाइट्स ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट मतलब पचास स्टूडेंट की हाइट दी है मतलब ऊँचाई मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा है मेजर करा है हैव बीन फाइंड फाउंड टू बी एस फॉलो कितने स्टूडेंट की दी right? है फाइव देखिए फर्स्ट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी स्टूडेंट के दिए क्लियर वन सिक्सटी वन वन फिफ्टी वन फिफ्टी फोर राइट गीवन है अब ये इतनी सारी हमारे पास कितनी दे दी हाइट दे दी सबसे पहले रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबो बाय अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें सबसे पहले क्या बनानी है टेबल बनानी है कौन सी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल राइट क्लियर टेकिंग द क्लास इंटरवल एज वन सिक्सटी टू वन सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फाइव टू वन सेवेंटी एक्सेट्रा मतलब अब आपको दिख रहा है कितने कितने का डिफरेंस लेना है फाइव फाइव का अब हमेशा यहाँ याद रखना कि अगर वन सिक्सटी से वन सिक्सटी फाइव है तो वन सिक्सटी नंबर इसमें इंक्लूड होगा लेकिन वन सिक्सटी फाइव अगर रहेगा तो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे तो वो काउंट करेंगे हम ये वाले में राइट ऐसा नहीं कि वन सिक्सटी फाइव इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है तो हम दोनों जगह काउंट कर लेंगे तो ऐसा करेंगे हम कि जो लास्ट वाला है क्लास इंटरवल का ये वाला पार्ट है ये वाला नंबर हम इसमें काउंट नहीं करेंगे वो नेक्स्ट वाले में मतलब वन सिक्सटी फाइव अगर कभी डाटा आता है तो हम इसमें काउंट ना करते हुए वन सिक्सटी फाइव को इसमें काउंट करेंगे तो सेम एज इट इज़ वन सेवेंटी यहाँ काउंट नहीं करेंगे तो इसके जो नेक्स्ट आएगा हम उसमें काउंट करेंगे तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे टेबल को बनाएंगे कौन सी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या देखे रखा है वॉट कैन यू कंक्लूड अबाउट देअर हाइट्स फ्रॉम द टेबल ये भी फाइंड करना है तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं उसके बाद हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे राइट टेबल में अब हम क्या करेंगे देखिए सबसे पहले सोल्यूशन द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन जो भी डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर कैन बी रिप्रेजेंट बाई अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल मतलब जो डाटा गिवन है वो ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल में गिवन है राइट क्लास इंटरवल एस वन सिक्सटी टू वन सिक्सटी फाइव और वन सिक्सटी फाइव टू वन सेवेंटी एक्सेट्रा अब हमारे पास जो डाटा हमारे पास जो डाटा गिवन है ऐसा तो नहीं है, 160 से नहीं है तो हमें पहले सबसे छोटी वैल्यू देखनी है कि कहाँ और कितनी आ रही है एक तो वन फिफ्टी दिख रहा है और कोई दिख रहा है क्या वन फिफ्टी से भी छोटा वन फिफ्टी से छोटा और कोई नहीं दिख रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो गई एक तो वन फिफ्टी और सबसे बड़ी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है वन सेवेंटी मुझे दिख रही है यहाँ पे ये वन सेवेंटी वन हो गई वन सेवेंटी वन से और कोई मैक्सिमम वैल्यू वन सेवेंटी टू और कोई वैल्यू ये वन सेवेंटी थ्री भी मिल गया मुझे वन सेवेंटी थ्री मतलब अब हम लेंगे वन फिफ्टी है तो हम लेंगे वन फिफ्टी से वन फिफ्टी फ़ाइव और कहाँ तक की लेनी है वन सेवेंटी थ्री वैल्यू है तो हम ले लेंगे वन सेवेंटी फाइव तक की इससे अगर कोई और बड़ी वैल्यू होती वन सेवेंटी फाइव से तो हम वन एटी तक ले लेंगे क्योंकि फाइव फाइव का हमें क्या लेना है डिफरेंस लेना है आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है वन फिफ्टी तो हम वन फिफ्टी से ही स्टार्ट करना है हमें राइट तो देखिए वन फिफ्टी से वन 150... फिफ्टी 55 से 160, 160 से 165, 165 से 170 और 170 से 175. इससे छोटी वैल्यू और इससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं थी इसलिए हमारे टेबल में यह डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया क्लास के अकॉर्डिंग जो कि 55 का डिफरेंस गिवन था आई होप आपको क्लास इंटरवल लेते आ गया अगर गिवन नहीं भी होता तो यह आप पर डिपेंड करता कि आप थ्री थ्री का डिफरेंस लो या फोर फोर का फाइव फाइव का क्लियर अब हमें काउंट करना है राइट right? तो वन वन फिफ्टी से वन फिफ्टी फाइव वन फिफ्टी फाइव काउंट नहीं करेंगे वो नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे याद तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व कितने डाटा हो गए वन फिफ्टी से वन फिफ्टी फाइव के बीच में ट्वेल्व राइट right? तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है ट्वेल्व लिखा है दिख रहा है मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट ए फिफ्टी से वन फिफ्टी फाइव के बीच में आती है ऐसे कितने स्टूडेंट है ट्वेल्व स्टूडेंट है क्लियर अब वन फिफ्टी फाइव से वन सिक्सटी के बीच में वन फिफ्टी फाइव से वन सिक्सटी के बीच में फर्स्ट लाइन में कोई नहीं है वन टू वन सिक्सटी के बीच में तो वन सिक्सटी इसमें काउंट हम नहीं करेंगे क्लियर टू हो गए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन हो गए राइट right? तो हम क्या लिख देंगे वन फिफ्टी फाइव टू वन सिक्सटी के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट नाइन है क्लियर अब हम वन सिक्सटी से वन सिक्सटी फाइव के बीच में तो अब वन सिक्सटी फाइव काउंट नहीं होगा वन सिक्सटी फोर तक ही होगा वन सिक्सटी फाइव नेक्स्ट इसमें काउंट होगा तो वन सिक्सटी से वन सिक्सटी फाइव तक ये वन टू थ्री फोर

तो हम क्या लिखेंगे वन सिक्सटी से वन सिक्सटी फ़ाइव के बीच में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने फोर्टीन है अब हमें चेक करना है वन सिक्सटी फाइव से वन सेवेंटी के बीच में राइट वन सिक्सटी फाइव से वन सेवेंटी के बीच में अब वन सेवेंटी काउंट नहीं होगा वन सेवेंटी नेक्स्ट इसमें काउंट होगा तो वन सिक्सटी फाइव से वन सेवेंटी के बीच में वन सिक्सटी फाइव मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितने हो गए टेन है राइट वन सिक्सटी फाइव से वन सेवेंटी के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं टेन है क्लियर अब हमें चेक करना है वन सेवेंटी से वन सेवेंटी फाइव के बीच में वन सेवेंटी से वन सेवेंटी फाइव के बीच में वन टू थ्री फोर हो गए सारे नंबर्स फोर वापस से चेक कर लेते कोई छूट गया फोर क्यों हो रहा है ये फोर आ रहा है एक मिनट टोटल अगर फिफ्टी आ जाएगा तो हम चेक कर लेते टू टू और नाइन इलेवन और फोर फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी देख लेते लास्ट क्या था वन सिक्सटी फाइव से वन सेवेंटी के बीच में राइट 165 से 170 के बीच में देखिए कहाँ तक का डाटा है 170 से 175 के बीच में एक दो तीन येरा चार और ये रहा पाँच ये हो गए पाँच डाटा है राइट तो ये क्लियर है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा ये फाइव आ जाएगा राइट ये फाइव आ गया राइट तो अब हमें क्या चेक करना है कि ये जितने भी स्टूडेंट हमने डिस्ट्रीब्यूटन करे हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लास इंटरवल के बीच में तो वो कितने आना चाहिए टोटल फिफ्टी क्लियर तो इनका जब हम यहाँ टोटल कर रहे तो इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे फिफ्टी मतलब हमें हर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है करेक्ट है सेकेंड इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन डाटा एंड द टेबल दैट थर्टी फ़ाइव स्टूडेंट थर्टी फाइव स्टूडेंट मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द टोटल स्टूडेंट आर शॉर्टेस्ट देन वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर मतलब इसमें से पचास uh, मतलब थर्टी फाइव स्टूडेंट ऐसे है जो कैसे है फिफ्टी परसेंट इस्टूडेंट जो वन सिक्सटी फाइव से कैसे छोटे है राइट वन सिक्सटी फाइव से छोटे अगर देखिए वन सिक्सटी फ़ाइव से अगर हम यहाँ काउंट कर रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है इन दोनों का फिफ्टीन और इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है थर्टी फाइव राइट तो थर्टी फाइव स्टूडेंट ऐसे है जो कैसे है वन सिक्सटी फाइव से छोटे हैं छोटे यहाँ पर है राइट जिनकी हाइट कम टेबल को देख के आपको बताना है राइट मतलब फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा हो गए फिफ्टी परसेंट कितने होते हैं ट्वेंटी फाइव मतलब फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा स्टूडेंट इट मीनस थर्टी फाइव स्टूडेंट ऐसे हैं जो वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर से कैसे हैं छोटे हैं शॉर्टर देन वन सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर तो ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर थैंक यू